बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद। इंसान की बेसिक कंपोजिशन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है, उसके अलावा कार्बन भी होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जिस्म में मुनासिब मकदार होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी बहुत अरसे तक, तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जन्म लेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मसल्स, नर्व्स और जिस्म के और सेल्स डैमेज हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मेन वजह यह है कि एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों की इस्तेमाल में कमी, दूसरा ऑक्सीडेंट चीज़ें यानी गर्म चीज़ें उनका ज़्यादा इस्तेमाल। ये ऑक्सीजन जो है हम ऑक्सीमीटर से मेयर कर सकते हैं, जो तकरीबन 96 से 98 तक होने चाहिए। अगर 99 और इससे ऊपर जाती है तो ये चीज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस वजह से भी होती है कि जिस्म का डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन जो होता है, ख़ासतौर पे लिवर सेल्स में साइटोक्रोम्स एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम जीन्स होते हैं, जो डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं, जो जिस्म में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। जब उनका फंक्शन किसी वजह से कम हो जाए, ये जेनेटिकली भी होता है, केमिकली भी होता है, दोनों वजह से ये फंक्शन कमज़ोर हो सकता है, तो उस सूरत में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जन्म लेती है, जिससे बहुत सी न्यूरो और मस्कुलर बीमारियां होती हैं। कैंसर भी हो सकता है, दूसरी बीमारी भी हैं, मगर हमारा जो मेन फोकस है न्यूरोवेस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ पे है। तो उसमें जो है विल्सन्स डिजीज़ है, जिसमें कॉपर बढ़ जाता है या लेड बढ़ सकता है, और दिमाग में जो है स्क्लेरोसिस बन सकते हैं, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, दिमाग के मुख्तलिफ से डैमेज हो सकते हैं, और सेरिब्रो स्पाइनल एटेक्सिया, जो चलने में लड़खड़ाहट होती है, ये मसले भी हो सकते हैं। ये तकरीबन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो, यानी ऑक्सीजन 96 से कम आए, तो इसका मकसद ये है कि ये अभी पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है, जिस्म में और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी में जा रहा है। उसके भी दो रीजंस हो सकते हैं, या तो गर्म चीज़ों के इस्तेमाल की कमी हो, या तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठंडी चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल का ज़्यादा हो। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी जिस्म में रहेगी तो जिस्म का हीलिंग पावर कम रहेगा, जिस्म का हीलिंग पावर कम रहेगा तो जिस्म के जो सिस्टम्स हैं वो काम करना भी कम करेंगे। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑक्सीजन का बढ़ना जिस्म में एनर्जी का बढ़ना है, जिस्म में हीलिंग पावर का बढ़ना है, मगर नॉर्मल लिमिट में। और ऑक्सीजन की कमी जो है उसका मकसद यह है कि आपका जिस्म का फंक्शन कम होता जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जिस्म के सेल्स फंक्शन करना छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो सेल डैमेज होते हैं, तो इनको बैलेंस रखना चाहिए। हम जो चीज़ें खाते हैं, कुछ अल्कली होती हैं और कुछ तुर्श खट्टी एसिडिक होती हैं, कुछ चीज़ें तर होती हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन्स ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होते हैं, और कुछ खुश्क होती हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। तो ये जो है बैलेंस रखना पड़ता है जिस्म में। हमारे जिस्म का जो पीएच है, जो अल्कली और एसिड से मिलकर बनता है, ये जो है तकरीबन 7.43 होना चाहिए।
7.43। अगर जिस्म में अल्कली की मिकदार बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी जिस्म में बढ़ेगी। अगर जिस्म में एसिडिक चीज़ें बढ़ेंगी, जिस्म में तुरस्त चीज़ों की मिकदार बढ़ेगी तो ऑक्सीजन हमारी कम होगी। तो ये हमको नॉर्मल पे रखना चाहिए, ये 7.43 तकरीबन। तो इससे ऑक्सीजन लेवल आपकी 96 से 98 तक रहेगी। जो बीमार हैं लोग वो चेक कर सकते हैं अपनी कि हमारे ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है। अगर आपके ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, अगर आपकी ऑक्सीजन कम जा रही है तो आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। ये एक बेसिक फार्मूला है। इसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का काम ये होता है ऑक्सीजन की लेवल को नॉर्मल पे रखना। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है, आग को बढ़ाती है, तो नाइट्रोजन आग को ठंडा करती है। नाइट्रोजन अगर जिस्म में ना हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पूरा जिस्म डैमेज हो जाएगा। और नाइट्रोजन की मिकदार भी अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगी और जिस्म डैमेज होने लगेगा, जिस्म का हीलिंग पावर कम होने लगेगा। इसीलिए जो भी फिट्स की दवाई होती हैं, साइकोलॉजिकल दवाई, दिमाग की दवाई होती हैं, दिमाग को कमज़ोर करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, और नशे की दवाई होती हैं, इन सब में तकरीबन सब में नाइट्रोजन की मिकदार होती है, किस में कम किस में ज़्यादा। अगर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑक्सीजन सही काम नहीं करती, इसलिए उसका बॉडी का हीलिंग सिस्टम सही काम नहीं करता। इसलिए हम जो इलाज करते हैं, जो बच्चे झटकों की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ायदा कम होता है, देर से होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से उनका हीलिंग पावर कम होता है। जो बच्चे झटकों की दवाई इस्तेमाल नहीं करते तो उनको फ़ायदा बनिस्बत जल्दी होता है। अभी दो बातें होती हैं कि किन किन बच्चों में फ़ायदा जल्दी होता है, किन में लेट होता है, वो उसकी वजह भी आपको बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में हीलिंग पावर ज़्यादा होता है, उनको थोड़े अरसे में थोड़ी दवा से फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें हीलिंग पावर कम होता है। हीलिंग पावर में जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, वो भी शामिल होते हैं। एक बीमारी है मेटाक्रोमिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, मिसाल दे रहा हूँ आपको। ये अक्सर जीन की कमज़ोरी की वजह से, उसके म्यूटेशन की वजह से होती है, जिससे होता क्या है कि एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एरिल सल्फाटेज ए, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से एक किस्म की चिकनाई है, फैट है, जिसको हम कहते हैं सल्फाटाइड, वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमने लगती है, दिमाग में जमने लगती है और जिस्म के और हिस्सों में जमने लगती है। तो उससे बॉडी सिग्नल्स सही नहीं आते, बॉडी स्टिफ्स होने लगती है, सख्त होने लगती है, जिसको हम कहते हैं दिमाग सिकुड़ने लगा है। तो अब ये एंजाइम तकरीबन 15 से 45 तक होना चाहिए। अगर किस बच्चे का ये एंजाइम्स 5 है तो उनको फ़ायदा ज़ाहिर देर से होगा। अगर किसका एंजाइम्स ये 10 तक है तो ज़ाहिर उसको फ़ायदा कुछ जल्दी होगा। ये जो टेस्ट्स हैं पाकिस्तान में इतनी होती नहीं है, बाहर मुल्क में होती हैं। हर पेशेंट को हम लिख के नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी टेस्टें होती हैं। इसलिए हम उनको सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं कि भाई किन बच्चों में हीलिंग पावर थोड़ा होता है, किन में ज़्यादा होता है, किन में एंजाइम की कमी थोड़ी होती है, किन में ज़्यादा होती है। बाद ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बिल्कुल थोड़ी कमी होती है, सिर्फ परहेज करने से भी उनका मसला हल हो जाता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम डोज ज़्यादा देते हैं मगर फिर भी उनका मसला नहीं होता।
माइटोथेरापी का महीने में हम एक सेशन किसको करते हैं उसको फ़ायदा हो जाता है। कोई कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको डेली माइटोथेरापी का सेशन किया जाता है फिर भी उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उसका बेसिक वजह यह है कि उनके जिस समय वो एंजाइम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए, जब एक पेशेंट ठीक होता है या उसको बेहतरी आती है तो लोग कहते हैं कि इनको तो 3-4 महीने में 5 महीने में बेहतरी आई, हमको तो 1.5-1.5 साल में बेहतरी नहीं आई। तो उसकी ये वजह है कि उनका हीलिंग पावर, उसके जिस्म में जो एंजाइम्स की कमी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया, उसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयंस भी होते हैं जो हाइड्रोजन से बनते हैं। तो जिस्म में हाइड्रोनियम आयंस की ज्यादती या हाइड्रोजन की ज्यादती का मकसद ये है कि जिस्म में तरी ज़्यादा है, जिस्म में पानी ज़्यादा है, और जिस्म में अगर हाइड्रोनियम आयंस कम हो तो उसको हम कहेंगे कि इसके हाइड्रोनियम आयंस कम है, हाइड्रोजन इसमें कम है, यानी इसमें पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। तो जो तिब का एक नज़रिया है जिसको हम कहते हैं मिजाज, गर्म मिजाज, सर्द मिजाज, सर्द तर मिजाज, सर्द खुश्क मिजाज, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है जो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि साइंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की कंपोजिशन में कमी बेशी को तो मानती है मगर मिजाज को वो अभी समझ नहीं सकती। मगर मिजाज का मेन मकसद यही है कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो आयंस हैं जिसमें मैं नॉर्मल हूँ तो हमारा जो मिजाज हो मोतदिल हो। जो तिब का नज़रिया है इसका मकसद ये है कि मिजाज को मोतदिल रखा जाए, यानी आपका जो पीएच है 7.43 रखा जाए, अपनी गिजाओं से, अपने फलों से, वेजिटेबल से, सब्जियों से और दवाओं से, जड़ी बूटियों से, इस इन सब का मकसद ये है कि जो मिजाज को मोतदिल रखा जाए, पीएच को नॉर्मल रखा जाए, तो उससे ऑक्सीजन लेवल आपकी नॉर्मल पे रहेगी, तो आपका बॉडी हीलिंग सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो जिस्म का पावर है, जिस्म स्टेम सेल्स होते हैं वो खुद भी प्रोड्यूस होते हैं। जब आपके जिस्म में ऑक्सीजन सही होगी, ऑक्सीजन नॉर्मल पे होगी, नाइट्रोजन नॉर्मल पे होगी, हाइड्रोजन नॉर्मल पे होगी, तो आपके जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, दूसरे सारे सेल्स सही काम करेंगे, सेल्स की ट्रांसफर्स नॉर्मल होगी, क्योंकि स्टेम सेल्स एक जगह बनते हैं तो फिर वो ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह जाते हैं जहां उनको ज़रूरत होती है, जहां डैमेज होती है।